24/7 लाइव सच की आवाज। आइए आपको लेकर चलते हैं अहम कुछ खास खबरों। अल्पसंख्यक कांग्रेस ने बिल्किस बानो के दोषियों को छोड़ने का किया विरोध। अरशद अली प्रयागराज 18 अगस्त 2022 अल्पसंख्यक कांग्रेस शहर अध्यक्ष अरशद अली की अध्यक्षता में आज अल्पसंख्यक कांग्रेस ने जिलाधिकारी कार्यालय विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय भारत को वाया SEM प्रथम का ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर अरशद अली ने कहा बिल्किस बानो मामले में उम्र कैद की सजा पाए 11 दोषियों को गुजरात सरकार द्वारा रिहा कर दिया जाने को न्याय में आशा को तोड़ने वाला बताया है। आज हम लोग पूरे प्रदेश क्या पूरे देश में अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी गण बिल्किस बानो के दोषियों को जो रिहा किया गया है गुजरात सरकार द्वारा, इसका हम लोग विरोध और निंदा करते हैं। और इस बात का 2002 में जब बिल्किस बानो समेत अनेक लोगों के साथ अत्याचार हुआ था और एक मासूम पेट में पल रहा बच्चे को तलवार से चीर के अलग किया गया था, तो इसका दोषी जो 11 लोग मुख्य दोषी थे उनको आज कल के दिन रिहा किया गया है। इसके लिए हम लोग का घोर विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग की मांग है कि ऐसे दोषियों को जो रिहाई की गई है इसकी रिहाई निरस्त की जाए। सुप्रीम कोर्ट महामहिम सुप्रीम कोर्ट के निवेदन हम लोग का है कि ऐसे लोग समाज के लिए खतरनाक हैं और ऐसे लोग जो दरिंदे समाज में घूमेंगे तो इससे देश का माहौल खराब होने की आशंका है। हम लोग की मांग है कि इनकी रिहाई को निरस्त किया जाए और इनको पुनः उम्र कैद में सजा बदली जाए। मैं अरशद अली महानगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी इलाहाबाद।